विस्तृत HMIS सॉफ्टवेयर से रोगी पंजीकरण, भर्ती, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, खाना, दवाइयां, चिकित्सकों का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध होगा। जांच रिपोर्ट को डॉक्टर अपने कंप्यूटर पर देख सकेंगे। इस सॉफ्टवेयर से रोगियों के उपचार संबंधी सभी कार्य में पारदर्शिता होगी। ये सॉफ्टवेयर अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता भी बताएगा। HMIS प्रणाली से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों, राजकीय संस्थाओं, स्वायत्त शासी चिकित्सा महाविद्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था को लागू किया जा सकेगा। सॉफ्टवेयर से पंजीकरण कर रोगी काउंटर पर होने वाली असुविधा से बचेंगे। सरकार का दावा है कि HMIS प्रणाली के लागू होने से जहां एक तरफ अस्पतालों के प्रबंधन, नेटवर्क, नेतृत्व, कर प्रणाली और सुप्रशासन में सुधार होगा, ऐसे में अब आने वाले दिनों में पर्चा बनाने के लिए लाइन नहीं लगना पड़ेगा। इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध होंगे, जिससे कि घर बैठे मरीज अपना पंजीकरण करा सकेंगे। इसके साथ साथ जो बिल संबंधी भुगतान होते हैं वो सुविधा भी ऑनलाइन मिला करेगी। कैमरामैन RB चौरसिया के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। महाराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कानपुर में उन पर 3 नए मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, वहीं दूसरा मामला जमीन कब्जे के मामले में दर्ज किया गया है, तो तीसरा मामला लॉकडाउन में पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने के मामले में दर्ज किया गया है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कानपुर में इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर सहित 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जाजमऊ थाने से गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। वहीं जाजमऊ थाने में ही जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे और रंगदारी की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। तीसरा मामला ग्वाल टोली थाने में लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और ड्यूटी के दौरान पुलिस उप निरीक्षक से अभद्रता करने के आरोप में दर्ज किया गया है। इसके अलावा इरफान के भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल अटेवाला और मोहम्मद शरीफ पर भी गैंगस्टर लगाया गया है। पुलिस की माने तो ये पूरे गैंग के रूप में काम करते थे और इनका काम जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करना था। पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की है उसमें इस कब्जा गैंग का सरगना इरफान सोलंकी को बताया गया है। फिलहाल इरफान सोलंकी महराजगंज जेल में बंद है और उन पर अब तक कुल 17 मामले दर्ज है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज मामलों की संख्या अब 17 हो गई है। गैंगस्टर एक्ट में उन्हें गैंग लीडर बनाया गया है। उस गैंग में 5 सदस्य शामिल हैं, जिसका गैंग लीडर इरफान सोलंकी को बताया गया कि यह गैंग जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का काम करता है, जिसके चलते पुलिस ने 5 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। कैमरामैन सोम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया, कानपुर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के MM हॉल में देर रात कश्मीरी छात्र के साथ अज्ञात लोगों ने जमकर मारपीट की है और मारपीट की घटना के बाद तमाम कश्मीरी छात्र इकट्ठा होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर पहुंच गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के MM हॉल में बैडमिंटन खेलने के दौरान कश्मीर और गाजीपुर के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद गुस्साए कश्मीरी छात्रों ने AMU के शताब्दी गेट को बंद कर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया। आक्रोशित कश्मीरी छात्रों ने ACM को ज्ञापन सौंपा और अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इस संबंध में प्रॉक्टर ने बताया कि कश्मीरी छात्रों ने मारपीट की शिकायत की है, जिसकी जांच कराई जाएगी। इसके बाद शताब्दी गेट को खुलवा दिया गया। ये गेट हमने इसलिए बंद किया कि पिछले काफी टाइम से यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ और पर्टिकुलरली मतलब हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे मारा है, उनके साथ ज्यादती हुई है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब भी कोई ऐसा मामला होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा उस मामले को नजरअंदाज किया जाता है, एक हिसाब से उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती। दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद कैंपस में अब शांति है। हालांकि कश्मीरी छात्रों ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ अक्सर मारपीट होती है और उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस बात की गंभीरता से जांच कराए जाने की जरूरत है। गेट बंद कर इस दौरान छात्रों ने प्रदर्शन किया है। घटना की सूचना पर पुलिस के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और छात्रों को समझा बुझाकर शांत किया है। कश्मीरी छात्रों का कहना है कि हमलावर छात्र हम लोगों को आतंकवादी बोल रहे थे।
थाना ताजगंज पुलिस ने आगरा में स्पा सेंटर के नाम पर चलाए जा रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 8 पुरुष और 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ताज नगरी आगरा में होटल के बेसमेंट में स्पा की यार्ड में देह व्यापार कराया जा रहा था। थाईलैंड और म्यांमार की युवतियों को बुलाया गया था। पुलिस ने छापामार कर 7 युवतियों, 4 कस्टमर और संचालक को गिरफ्तार किया है। स्पा सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। स्पा सेंटर में केबिन बनाए गए थे। युवतियों को एक एक करके ग्राहकों को दिखाया जाता था। एजेंट ग्राहकों को लेकर आते थे और इसके बाद रेट तय होता था। सेंटर के अंदर विदेशी युवतियां भी मौजूद थी। होटल से गिरफ्तार 7 युवतियों में 3 थाईलैंड, 2 म्यांमार की रहने वाली हैं। विदेशी युवतियां टूरिस्ट वीजा पर आगरा आई थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद को बोला वो ज्यादा पैसे कमाने के चलते जिसमें पड़ोसी के धंधे में आई। अभी जो तथाकथित कहा जा सकता है कि विदेशी महिलाएं पकड़ी गई हैं, उनके राष्ट्रीयता की जांच की जा रही है और वो कैसे इंडिया में आई, इन सब की भी जांच की जा रही है और उसके आधार पर इसी मुकदमे में अगर उन्होंने राष्ट्रीयता मतलब आने जाने का कुछ नॉर्म्स को वायलेट किया है और अगर फॉरेनर्स एक्ट के प्रावधानों को वायलेट किया है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इन सब की भी जाँच चल रही है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि रीवा स्पा सेंटर के नाम पर जिस पड़ोसी के धंधे को अंजाम दिया जा रहा है, यही वजह थी कि पुलिस ने घेरा बनकर छापामार कार्रवाई की। इनमें से जो 7 महिलाएं पकड़ी गई हैं उनमें से 5 महिलाएं विदेशी हैं जो टूरिस्ट वीजा के नाम पर आगरा के अंदर आई हुई थी। पुलिस उपायुक्त नगर के मुताबिक इस पूरे मामले में इस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल थे इसकी भी छानबीन की जा रही है। आगरा से मनीष गुप्ता जी मीडिया के लिए। मेरठ में एक शादीशुदा महिला का प्रेमी से शादी से इनकार करना उसी की हत्या की वजह बन गया। जी हां, पूरा मामला मेरठ के थाना दोराला क्षेत्र का है जहां सोनिया एक ब्यूटी पार्लर संचालिका है। ऐसे में सोनिया और उसके पति विनेश का आपस में घरे कलेश को लेकर विवाद चल रहा है जिसके चलते सोनिया अपने पति से अलग रहती है। ऐसे में सोनिया और उसी के पास से रहने वाले शिवा के बीच नजदीकियां बढ़ गई। देखते ही देखते नजदीकियां प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई। मेरठ की सोनिया का प्रेमी से शादी करने से इनकार करना उसकी हत्या की वजह बन गया। सोनिया मेरठ में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वो अपने पति विनेश से अलग रहती थी क्योंकि काफी लंबे अरसे से विनेश और सोनिया के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। पति से कलह के बीच सोनिया की मुलाकात शिवा से हुई। दोनों धीरे धीरे काफी करीब आ गए। प्यार परवान चढ़ा तो शिवा ने शादीशुदा सोनिया के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। शिवा को उम्मीद थी कि सोनिया उसका प्रस्ताव मंजूर करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सोनिया ने शादी के लिए मना कर दी। लेकिन शिवा को तो सोनिया से शादी का जुनून सवार था। उसे सोनिया की ना इतनी नागवार गुजरी कि उसने सोनिया को मारने की ठान ली और प्लानिंग के तहत शिवा ने सोनिया के घर में घुसकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। शिवा ने जब सोनिया को शादी के लिए कहा तो सोनिया ने शादी से इनकार कर दिया जिसके बाद जो शिवा है उसे ये बात नागवार गुजरी और उसने सोनिया की हत्या कर दी। फिलहाल जो शिवा जो है वो पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल मेरठ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ही दिन में 2 महिलाओं की मौत हो गई। इन दोनों ही मौत को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस दोनों मामलों की गहराई से जांच कर रही है। इनमें से पहला मामला गाजियाबाद के मुरादनगर का है। यहाँ के शिवम विहार इलाके में एक ओयो होटल में महिला मृत पाई गई। महिला एक युवक के साथ रात करीब 9 बजे आई थी। दूसरे दिन महिला का साथी दोपहर एटीएम से पैसे निकालने के बहाने फरार हो गया। होटल वालों ने जब शक होने पर कमरे की जाँच की तो महिला मृत पाई गयी। महिला और एक युवक मुरादनगर के एक होटल में उन्होंने चेक इन किया। आज सुबह वो लड़का एटीएम से पैसे निकालने के बहाने से चला गया और वापस आया ही नहीं। तभी सफाई कर्मचारी ने चेक किया तो उसमें उस महिला का शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। क्रिसमस के दिन जब सारी दुनिया खुशी मना रही थी उसी वक्त गाजियाबाद में विजयनगर के वृंदावन एनक्लेव में एक दंपत्ति क्रिसमस के रंग में रंगा हुआ था। दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। उसके बाद पुलिस के पास एक फोन कॉल आई जिसमें बताया गया कि विजयनगर के एक घर में एक महिला मृत पाई गई। बताया जा रहा कि पत्नी के ज्यादा शराब पीने से विवाद खड़ा हो गया। आशंका है कि इसी झगड़े के दौरान पत्नी की मौत हो गई।
हाँ जी, इनके पति विनोद शर्मा ने बताया कि कल महिला जो है बाहर से कहीं से आई थी, इंदौर से या कहीं बाहर से, और आकर के उन्होंने साथ में दोनों ने बैठ करके शराब पी है और काफ़ी अधिक मात्रा में उन्होंने शराब पी है, जिसका इनके द्वारा विरोध भी किया गया और यही है जो प्रथम दृष्टा जी सामने आई है। पुलिस पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं फ्लैट में पति पत्नी के साथ उनका 8 साल का बेटा भी था। अब तो पुलिस की जांच से ही पता चलेगा कि भव्या शर्मा की मौत किस वजह से हुई। वाराणसी के गेस्ट हाउस में विदेशी नागरिक के मौत का मामला सामने आया है। दरअसल भेलूपुर थाना क्षेत्र के नारद घाट में एक गेस्ट हाउस में यूक्रेनी नागरिक ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस को सूचना मिली और मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि नारद घाट के गेस्ट हाउस पे पंखे से लटका हुआ शव मिला था। इसके बाद शव को डॉक्टरों की एक टीम के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि शुरुआती जो जांच है उसमें सामने निकल कर आई है कि वैलिड वीजा की जो अवधि थी वो 1 जनवरी बताई जा रही है। ऐसे में क्या कारण रहा जिसकी वजह से यूक्रेनी नागरिक ने सुसाइड किया है, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। वाराणसी में यूक्रेन के एक नागरिक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। नारद घाट के पास एक गेस्ट हाउस में शव कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि पुलिस को कमरे की तलाशी में मृतक का पासपोर्ट और वीजा मिला है। घटना भेलूपुर इलाके की है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि यूक्रेन के दूतावास से संपर्क किया जा रहा है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है मौके से, और एक क्यूब क्षेत्र का रहने वाला था जो आजकल युद्धग्रस्त है, यूक्रेन का इलाका, वहां का रहने वाला था और बाबा के रूप में ये। सुसाइड करने वाले व्यक्ति का नाम पोस्टियंट यान बेनिव है, जिसकी उम्र 50 साल थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेनिव कहता था कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, और अब इसके पीछे सच्चाई क्या है पुलिस पता लगाने में जुटी है। अपर पुलिस आयुक्त का कहना है कि इस मामले में यूक्रेनी दूतावास से संपर्क किया जा रहा है और तमाम चीजें साझा की जा रही हैं। अब ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से विदेशी नागरिक ने मौत को गले लगा लिया। इसके पहले भी बनारस में विदेशी नागरिकों के मौत के मामले सामने आते रहे हैं। ये जाँच का विषय है कि आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि लोग टूर पर आते हैं लेकिन यहाँ से इनका शव जाता है। वाराणसी से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। ग्रेटर नोएडा के जिला अधिकारी के दफ्तर पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में हुए किसानों पर मुकदमे दर्ज को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। किसानों ने की जमकर नारेबाजी। नोएडा में जिला अधिकारी कार्यालय के पास किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने नारेबाजी की और किसानों की परेशानियों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि मुजफ्फरनगर में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। किसानों का कहना है कि उन्हें समय से खाद नहीं मिल रही है, जिससे खेती पर असर पड़ रहा है। जिले में आवारा पशुओं के आतंक का मुद्दा भी किसानों की कई मांगों में से एक है। किसानों का कहना है कि आवारा पशु आए दिन उनकी खेती को उजाड़ देते हैं, शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। नोएडा के किसानों को समय पर नहीं मिल रहा है खाद और आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है गौतम बुद्ध नगर में। जिस तरीके से जो किसान हैं, ठंडों में रात को खेतों की करनी पड़ रही है रखवाली, प्रशासन कोई भी कदम उठाने को नहीं कर रहा है प्रयास। कैमरा पर्सन विकास शर्मा के साथ प्रणव भारद्वाज, नोएडा, जी मीडिया। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की सीबीआई की जांच कराने की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में 24 घंटे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा रही है। हत्याकांड में एक वीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर कांग्रेसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठ गए। हरीश रावत की मांग है कि इस हत्याकांड से जुड़े उस वीआईपी को भी सजा मिलनी चाहिए जिसको विशेष सेवा देने के लिए अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था।
अब उन पे काम तो कुछ है नहीं, हरीश रावत जी पे अच्छा है, समय काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अब उन पे काम तो कुछ है नहीं, हरीश रावत जी पे अच्छा है, समय काटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। वहीं हरीश रावत के धरने पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कोई काम नहीं है, इसलिए समय काटने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। रावत जी के पास मुद्दे बचे नहीं है और वो जानते हैं कि अंकिता हत्याकांड का पूरी जांच चल रही है, न्यायालय में सारे विषय हैं, हर प्रकार का एक पक्ष है। अब जो न्यायालय का पक्ष हो, न्यायालय के खिलाफ धरना देना मुझे नहीं लगता कि वो बहुत न्याय संगत है। इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनको विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि अंकिता केस में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें अंकिता के एक व्हाट्सएप चैट का हवाला देकर कहा गया कि अंकिता पर किसी VIP को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। बता दें कि अंकिता की 18 सितंबर को वनतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों अंकित गुप्ता और सौरभ ने भी हत्या कर दी थी। बाद में उन्होंने कथित तौर पर अंकिता को ऋषिकेश में चिल्ला बैराज से धक्का दे दिया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले की SIT जांच कर रही है और मामले में SIT ने चार्जशीट को भी दाखिल कर दिया है, मगर कांग्रेस पार्टी अब उस VIP के नाम के खुलासा करने की मांग कर रही है जिसकी चर्चाएं चल रही थी। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दूसरे राजनीतिक दलों से भी उनके धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर दूसरे दलों का किस तरह से उन्हें समर्थन मिलता है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मेरा मनुज, जी मीडिया, देहरादून।